अरे मैया में सुमिर दोस्तों।
आज आपके बीच में एक बड़ा ही पवित्र आख्यान, जो एक बेचारी मां जिसका एक ही पुत्र था, जिसका नाम था भक्त प्रयागदास, और बहुत कम उम्र में, जिसकी उम्र केवल 7 वर्ष की, और एक बार सभी बच्चों के साथ में वो खेल रहा था, लेकिन वक्त वो आया, महीना सावन का चल रहा था, तो कवियों ने कल्पना की है और लिखा है, अरे सावन महीना ये और बड़ा ही पवित्र ये बहन भाई का रिश्ता, बड़ी खुशी है हर बहन को, हर भाई को खुशी है। राग मलारे गाती है घर में ना, घर घर हो सब बिटियां आपस में मंगल गाय रही हैं, मल्हारे गाय रही हैं, लेकिन भक्त प्रयागदास बच्चों के साथ में खेलता हुआ गलियों में जब पहुंचा, इधर जब बच्चे सब साथ में खेल रहे हैं, उधर से एक बहन आई और प्रयागदास के साथ में जो बच्चा खेल रहे थे उसने आकर के, अरे भैया के राखी बांधी, जैसे ही घर पर आया और उसने आकर के अपनी मां से कहा, मैया सबकी बहनें रखिया बांध रही हैं और हमारी बहन कोई नहीं है जिससे हम राखी बंधवाएं, तो मैया की आंख में आंसू आ गए और रोए कि मैया बोली, लाला
तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी बहन है कौन है कहाँ है हमारी बहन। तो भक्त प्रयागदास से वो मैया बोली लाला प्रयागदास की माँ कहने लगी लाला तेरी बहन है। प्रयागदास कहने लगी मैया मेरी अगर बहन है तो कहाँ है। तो आंखों में आंसू भर के और मैया बेटा से बोली ये लाला मैया तुम्हारी जगह जान की मेरे बेटा। मैया बोली मैया तो बोली मेरे लाली ले मेरे बेटा तेरी बहना एक जी। जगत जानी की बहनी है मेरे लाला। मैया बोली तेरी बहन है लाला को है मैया तेरी बहन जानकी है। बहने तुम्हारी जगह जानकी मेरे बेटा बात राती के अपनी मैया की बात सुनी मन में सोचन लगे बात जो मानी अपनी माता की मेरे भैया जाके दिल में है सोच प्रयागदास बोले मैया हम अपनी बहन पर राखी बंधवावे जाएंगे। और बोले राखी बंधाइबे हम जाएंगे मेरी मैया मेरे दिल में बहुत माला लगी। भक्त प्रयागदास अपनी माँ से पूछने के बाद घर से बाहर निकलो है वो 7 साल का बालक चल दिया। और जब चला है घर से निकल करके लेकिन माँ से नहीं पूछा कितनी कई उम्र को लाल है और दिल में बड़े ख्याल और बन की ओरी चली भयो तन कई उम्र को लाल। आज वो प्रयागदास घर को छोड़ करके जब चले तो ध्यान रखना भक्तों कि दिल में बड़े विचार
के बढ़ो यार देर लगाई और बिकट बनी के बीच में के बेटा पहुंच गौ जाई। जब बनी ने पहुंचा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ए दिल में बड़े विचार, ए दिल में बड़े विचार के बड़ो यंगार सुनो चितलाई। अबिकट बनी के बीच में के बेटा पहुंचो जाई। जिस समय जंगल में पहुंचे रोते हुए जा रहे हैं, यह विचार किया है कि जब तक हमारी बहन हमारे राखी नहीं बांधेगी तो हम इस दुनिया में जीना नहीं चाहते, रोते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन जब बनी में पहुंच जाते हैं तो क्या देखा, आगे सरयू नदी बह रही है और उस नदी के पास भी जब भक्त प्रयागदास पहुंचे ही तो देखा नदी में पानी बह रहा है। सोचने लगे दूर से नगरी जब दिखाई दी है, खड़े हो गए। खड़े हो करके भक्त प्रयागदास उस नदी पर, अरे बेटा खड़ो है चला पारी पे मेरे भैया। प्रयागदास नदिया की पार पे ठाड़े भाए और सोचन लगे, ठाड़ो भाओ है बेटा पारी पे भाई राहुल, जाके दिल में बड़े विचार दी। नदिया में चलू यानी भाई राव मेरे दादा, मलहा तीख तुना कही ओ राजी। जब संध्या भाई है, अरे शाम भैया सूरा गाछी पे मेरे भोला, साया भाई रे सूरा गाछी पे मेरे भैया, इत होना लागो है यानी सोच ली, या तो बहन मिले और बहन अगर ना मिली, या तो हमारी बहन मिले मेरे भैया नहीं तजिया अपनी प्राण दी। या तो हमारी बहन
खड़े रहे बही और खड़े हैं कि नदिया की पार पे ये विचार कर रहे हैं अगर हमारी बहन हमें न मिली तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन बाई समय भैया काफी समय जब हो अंधेरो हो और अब मैं चारों रंग देख रहे हैं कोई कौन दिखाई ना दे रहा। जैसे ही जल में प्रयागदास घुसे हैं लेकिन तब तक क्या हुआ अरे ने जब सारी बात पूछी है जे कहिए लाला हमें जब बताओ तुम कहां से आए हो और कहां जाओगे और आगे तुम्हारी मंजिल कहां है और तुम किस लिए आए हो। तो भक्त प्रयागदास रो करके कहने लगे हम क्यों आए हैं शायद तुम्हें नहीं मालूम है। अरे बहने हमारी जानकी है और उसका पता लगाना है। प्रयागदास बोले जानकी है और हम जानकी के चक्कर में ढूंढ रहे हैं। सब बहनें अपने भैया के राखी बांध रही हैं लेकिन हमें भैया अपनी बहन से मिलवे हैं और हमें बताइए कि तेरी बहन जो है अवधपुरी में रहती है और हम अवध नगरी के लिए जा रहे हैं। भैया ये सरदू नदी है। जवाब दिया हाँ ये सरजू है। बोले ये सामने दिख रही बोले यही अयोध्या है इसी में जानकी तुम्हें मिलेंगी। तो बोले भैया कैसे करो हमें जब नाव में बैठा रखे और नाव से पल्ली तरफ उतारो। तो केवट बोलो प्रयागदास से कि बैठा नदिया के पार उतारेंगे। आए बैठ गए हो है ना
नदी से पार उतारने के बाद भक्त प्रयागदास जब पहुंचे हैं अयोध्या के पास में, चारों तरफ अंधेरा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भक्त प्रयागदास चारों तरफ घूम रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, भैया तुमने हमारी बहन जानकी को देखा है कहीं? द्वार द्वार पूछत फिरे और पूछ रहे हैं लाल, सारो दिन जब कट गयो उतन को बहो बेहाल। आज सारो दिन है गो प्रयागदास को, रात बिताने के बाद सारे दिन घूमते रहे, जा से पूछे वो ये कहे भला तेरी बहन जानकी कैसे हो सकती है, वो तो भगवान राम की पत्नी है और ये जरासा बालक जिसकी आयु 7 वर्ष की है। लेकिन ध्यान रखना श्रोताओ, जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति होती है उसके लिए परमात्मा कहीं दूर नहीं होते हैं। आज एक जगह पर बैठ करके और भक्त प्रयागदास आंखों में आंसू लेकर के रोने लगे हैं। बैठ गए मुख मोड़ी आज और नहनल में आंसू जारी, और कहां मिलेगी किस तरह से बेनाया जो हमारी। नहीं पता बेन को पायो रोव दुखी जत प्रयागदास जब वापस लौट के आयो। कहू ने नहीं कही कुमार जा रहती बेन तुम्हारी, आंख ने आंसू भरे कुमार की छूट गई निजकारी। प्रयागदास बैठे बैठे आज सरयू नदी के किनारे रो रहे हैं। सबकी देना राखी बांधे आती याद तुम्हारी, और कर कर याद जानकी की आज झूठ रही किलकारी।
प्रयाग दास बैठा हुआ नदी के किनारे बिलख रहा है, और ये दर्द भरी आवाज जो भगवान के कान में पड़ी है, तो अपनी माया दिखाते हुए सराचर भगवान मां जगजननी सीता उसी समय दास की प्रतिज्ञा को देख करके भगवान ने अपनी माया के द्वारा जब भगवान वहां पहुंचे हैं, भक्त प्रयाग दास बैठे हुए सरदू के किनारे बिलख रहे हैं, तो वहां मां जानकी जब जाती है और जानकी ने देखा, अरे मात जानकी देखी के मेरे भैया सीता जी पहुंच गई, माता जानकी देखी के मेरे भैया कोई दिल में करो है विचार जी, माता जानकी देखी के मेरे भैया कोई दिल में करो है विचार जी, अरे देने बनाओ मोई लाल ने मेरे दादा, सीता जी ने सोच लाई जो भैया बन के आओ है जरा सी उम्र है, भक्ति भाओ दिला में बसो मेरे भैया कोई जाने रखिया लई राखी लई है करा मेरे भैया कोई पढ़ के जा चली है ना
जय हमारी बहन है समुनक देखो जा लेकिन उस 7 साल के बालक की प्रतिज्ञा को जगत जननी जानकी सीता जी ने पूर्ण किया। इससे ये मिलता है लाज बचाई अपने भक्त की मेरे भैया जाने प्रयागदास को जैसे ही राखी बांधी है तिलक करो है, तिलक करने के बाद में जैसे जानकी ने राखी बांध के चली है तो प्रयागदास बोले बहन इतना समय हो गया तुमने हमें कभी बताया भी नहीं कि तुम हमारी बहने हो। लेकिन प्रयागदास पकड़ के जगत जननी माँ जानकी को जब रोए हैं के भर लई बहना की जेत कुमार की छूट गई थी किला कारी से भक्त प्रयागदास को बहुत समझाया और कहा बेटा जब तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तब हमें तुम याद कर लेना, हम तुम्हारे पास खड़े होंगे। और समझा करके राखी बांधने के बाद बहन लौट करके जब अपने घर के लिए चली है और भक्त प्रयागदास अपने घर के लिए चले हैं तो भक्तों इस कहानी से हमें यह मिलता है कि एक भक्त ने जरा सी उम्र में और जिसकी बहन नहीं थी और ये प्रण कर लिया
हम तब तक भोजन नहीं करेंगे, तब तक पानी नहीं पिएंगे जब तक हम अपनी बहन से मिल नहीं लेंगे। क्योंकि ये शिक्षा उस माँ ने दी और माँ ने ये बताया था कि तुम्हारी बहन जानकी है, लेकिन बहन कोई नहीं थी। उस जरा सी उम्र में उस बालक ने ये प्रतिज्ञा करी कि बिना बहन के हम जन्मपान ग्रहण नहीं करेंगे। तो साक्षात जगत जननी सीता जी बहन के रूप में आकर के भाई को दर्शन देती है। ये कहानी यही समाप्त होती है। तो हमारे ये रिकॉर्डिंग करता है राघव माधव स्टूडियो जो प्रदीप भाई है। अरे राघव माधव कैसेट से और मैंने तुमको कथा सुनाई, और एटा रोड बनवारा के प्रदीप मेरे भाई। भक्त प्रयाग दास की तुमको कहानी रे सुनाई, और राहुल यादव ककर वाले ढोल करे बजाई। और प्रभु यादव उतरा रे से चिमटा रहे बजाई। अरे भूरे भैया नंगला झील को सुंदर गड़ा बजावे, बारी उम्र को बेटा है ये मंद मंद पुचकिया में। राहुल केरिया प्रभु की गाथा गाते हैं रे प्रभु।